हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं लेके आया हूँ अभ्यास की महिमा। बोबदेव एक मनबुद्धि बालक था। वो पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर था। उसने सहपाठी उससे चिढ़ाते थे, कोई उसे बुद्धू कहता तो कोई मूर्ख। बोबदेव भी अपने आप को मूर्ख समझने लगा। गुरुजी बोबदेव को बहुत समझाते लेकिन वो कुछ समझ ना पाता। निराश होकर गुरुजी ने बोबदेव को उसके गांव भेजने का निश्चय किया। उन्होंने बोबदेव से कहा, तुम विद्या अर्जन नहीं कर सकते तो अपने गांव जाकर कुछ कामकाज करो। परिश्रम के बिना कोई भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। गुरुजी की बात सुनकर बोबदेव को बड़ा दुख हुआ। वो अपने गांव के लिए चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। उसे जोर से प्यास लगी। पानी पीने के लिए वो एक कुएं के पास गया। कुछ औरतें कुएं से पानी भर रही थी। तभी बोबदेव का ध्यान कुएं की जगत पर पड़ा। उस पर कोई गड्ढे थे। उसने औरतों से पूछा, ये गड्ढे किसने बनाया है? तब एक औरत ने उत्तर दिया, गड्ढे हमने नहीं बनाया है, बार बार घरे रखने से ये गड्ढे अपने आप बन गया है। उत्तर सुनकर बोबदेव सोचने लगा, जब मिट्टी के घड़े से पत्थर घिस सकता है तो बार बार अभ्यास करने से मुझे विद्या क्यों नहीं आ सकती? अभ्यास की महिमा उतनी समझ में आ गई। उसने निश्चय कर लिया, अब मैं मन लगा कर पढ़ूंगा, बार बार अभ्यास करूंगा। बोबदेव के विचार बदल गए। वो उसी समय पाठशाला लौट आया। उसने विचार में बदलाव देखकर गुरुजी प्रसन्न हुए। अब बोबदेव खूब मन लगाकर पढ़ेगा। बड़ा होकर वही बालक संस्कृत का एक प्रसिद्ध विद्वान बना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।